नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और मेरे वीडियो का आनंद उठा रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया अक्षर लाई हूँ। उसके पहले आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या है? बताइए, जो मैंने गले में पहना है, अपने कान में पहना है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आभूषण। उसे क्या कहते हैं? आभूषण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ऑर्नमेंट्स, है ना? जो मम्मी लोग अपने गले में, कान में, हाथों में, उंगलियों में पहनती हैं, उसे क्या कहते हैं? आभूषण। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आभूषण कौन से अक्षर से होता है? बिल्कुल सही, आ से। आभूषण कौन से अक्षर से होता है? आ। आ से आभूषण। ठीक है, तो हम लोग आगे की चीजें जानने से पहले एक राइम्स करेंगे, एक कविता सीखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी उस राइम को एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आलू के चलू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन के टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। मजा आया? चलो एक बार दोबारा करते हैं। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, मारी रो रहे थे, मम्मा ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। मजा आया सबको? आशा करती हूँ आपको, आप सभी को मजा आया होगा इस कविता को सीख के। तो बच्चों, बता सकते हो इस कविता में सबसे पहले कौन आया था? बिल्कुल, आलू का चालू मींस आलू आया था सबसे पहले, है ना? जैसे मैंने आपको आभूषण के बारे में बताया, वैसे ही आलू कौन से शब्द से होता है? आ से। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने दो चीजें सीखी, आभूषण और आलू, है ना? चलो हम लोग और भी सारे शब्द सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ जरूरी चीजें बताती हूँ आपको। ठीक है, चलो। सो बच्चों देखो, ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आओ चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? ये हमारा पूरा स्वर वर्ण है। हम लोगों ने अब ऑलरेडी सीख लिया है ना पिछली वीडियो में, आज हम लोग आ सीखेंगे। तो ये हमारी पूरी स्वर वर्ण की चार्ट है। हिंदी के स्वर वर्ण में आपको कितने लेटर्स या अक्षर दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 13, यानी कि 13। 13 अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये हमारा व्यंजन वर्ण है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरी वर्णमाला को हम दो भाग में डिवाइड किए हैं। तो ये हमारा दूसरा भाग है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में आपको कितने अक्षर दिखाई दे रहे बच्चों? पूरी 35। बिल्कुल सही।
तो आओ चलो हम आगे कक्षा शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग आज से क्या क्या शब्द होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं हमारे आसपास, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये कौन सा लेटर है, कौन सा अक्षर है? ये आ है, स्वर वर्ण का आ। आ से आईना। हम लोग हमेशा रेडी जब होते हैं, जब तैयार होते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, तो हम आईने में अपने आप को देखते हैं, है ना? ये क्या है? आ से आटा। आ से आटा। आटा मने फ्लावर। ये आटा से मम्मा लोग क्या बनाती हैं? रोटी बनाती हैं, है ना, जिसको हम खा करके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो आ से आटा। आ से आग। आग मतलब फायर। हमें आग से दूर रहना चाहिए ना, और आग से कभी भी खेल नहीं करना चाहिए। जैसे माचिस है, ये सारी चीजें आग उत्पन्न करती हैं, तो इन सारी चीजों से कभी खेलना नहीं चाहिए। तो आ से आग। आ से आहार। आहार मीन्स खाना। आ से आम। आम बहुत टेस्टी होता है ना, और अभी समर सीजन में भी ये पाया जाता है, तो आशा करती हूँ आप सभी आम का लुत्फ उठा रहे होंगे घर पे, है ना? तो आ से आम। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मैंगो। आ से आकार। आकार मतलब शेप्स। हमारे आसपास आप हमेशा देखना, खिड़की हो, दरवाजा हो, या कोई भी चीज हो, आपके पेंसिल इरेजर या पेंसिल बॉक्स हो, कोई ना कोई शेप का होता है, है ना? तो उस शेप्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आकार। आ से आसमान। आसमान मतलब स्काई। आ से आभूषण। आभूषण मतलब ऑर्नमेंट्स, जो मम्मा लोग पहनती है ना, आभूषण गले का हो, कान का हो, हाथ में हो, मैं उंगलियों में पहनती हूँ अंगूठियाँ, तो उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? आभूषण। वाह, ये तो बहुत ही सबसे मजेदार सब्जी है, क्या कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? आ से आलू। हम लोगों ने आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे वो वाला राइम सीखा है ना, तो आ से आलू। आ से आठ। देखो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो हम मैथ्स में वैसा आठ लिखते हैं, और हिंदी का आठ क्या होता है, कैसे लिखा जाता है? जैसे ये बाहर में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सिक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा घूमा हुआ नहीं है, तो ये हिंदी का नंबर आठ है। ठीक है, आ से आठ। और आठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, एट कहते हैं। आठ को क्या कहते हैं? एट। आ से आँख। आँख मतलब आईज। चलो बच्चों, अब हम लोग पांच रेखा में कैसे आ लिखते हैं वो सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले से ही आ लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही हमें भी लिखना है। ठीक है, हम लोगों ने मैथ्स में थ्री ऑलरेडी सीखा हुआ है, सेम वैसे ही हम लोग पहले थ्री बनाएंगे।
दूसरा राउंड, फिर इसे हम लोग ब्लू लाइन में टच करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बीच से छोटी सी स्लीपिंग लाइन, देन दो स्टैंडिंग लाइन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला स्टैंडिंग लाइन, दूसरा स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर में बस छोटा सा स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा आ। आप सभी को आ लिखना प्रैक्टिस करना है घर पर, पांच लाइन वाली नोटबुक में, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को ये वीडियो मददगार रहेगी एंड आप इससे बहुत सारी चीजें सीखे होंगे। आप घर पे अक्षर आ लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा पांच रेखा वाली कॉपी में। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन, धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ।